तो जी भाई आपको फिर बिजनेस प्लान कैसे दिखाया, किसने दिखाया, क्या हुआ, स्टोरी क्या है ज्वाइनिंग की? तो मेरे जो एमबीए बिजनेस के बीच अपलाइन है सिद्धार्थ सुजीत सिंह जी ब्रांच, उनके हमारे घर के पास स्वीट्स की शॉप है। तो जस्ट एक हम वो मेरे से काफी 10-12 साल बड़े हैं, लेकिन एक फ्रेंडशिप को हमेशा छोटे लोगों से फ्रेंडशिप दोस्तों से फ्रेंड कहते हैं। हम उनसे ज्यादा मोटिवेट इसलिए रहते थे कि उनके पास हमेशा नया गाड़ी नया स्कूटर, शॉप होने से उनके पास पैसे बहुत, जब भी निकालते जेब से इतने सारे पैसे निकालते, चाहे वो देने ही होते थे लोगों के। लेकिन हम जितने भी फ्रेंड्स थे, हम उनको जाके यार करना तो कोई बिजनेस चाहिए, सुजीत पाजी की तरह इतने इतने पैसे नोट होने चाहिए, वो चीज मोटिवेट करती। हम कभी भी घूम के आते थे उनकी दुकान के ऊपर जाके खड़े हो जाते, उनकी स्वीट की शॉप थी, तो उनको भी होता अच्छा आ जाओ एमपी आ जाओ बैठते हैं, और ले आए जितने दोस्त हैं, पहले एमबीए से पहले ही हम वहां शाम को इकट्ठे होते, ठीक है। तो कोई ना कोई टॉपिक रहता था वहां, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। खालसा कॉलेज पास था, स्टूडेंट बहुत आते थे वहां, तो कोई ना कोई नई चीज चलती रहती है, कभी कोई लड़ाई चल रही है, कभी कोई पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ ना कुछ वहां चलता रहता। तो फिर एक दिन सुजीत पाजी ने बोला कि मैंने यार एक काम देखा है। तो मैंने कहा अच्छा इज गुड, तू भी वो बहुत अच्छे से कर सकता है, गुड अच्छा ठीक है। तो करते करते ना कहते कुछ नहीं करना, तुमने एक फॉर्म भरना मैंने कहा हाँ पाजी कोई बात नहीं ठीक है। कहते तू फॉर्म भर, तेरे को पैसा कितना चाहिए? मैं कहा 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाए तो ठीक है। अच्छा ऐसे कर तू 4 फार्म भर। अच्छा तो जब उन्होंने बोला 4 फार्म भर दे, तो कहता एक से 30 लाख आएगा, एक अपना भर दे, एक वाइफ का, एक फादर साहब का भर दे, और एक ब्रदर का भर दे, ऐसे 30 लाख, 1 करोड़ 20 लाख आएगा। मैंने 6 साल भर दिए, तो ओके इतने पैसे आ सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तो 2100 रुपीज लगते, 2100 अब हाँ 2100 रुपये, ठीक है। तो जस्ट जब ऐसे बोला मैंने उनसे, ओके पाजी हैं, इनका तजर्बा है, सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने फॉर्म भर दिए, ठीक है। तो फॉर्म भरने के बाद मुझे पता लगा कि इस गोल्ड माइन एक कंपनी है, ठीक है, ये उसके फॉर्म भरवा रहे हैं, अच्छा ठीक है। हाँ ये दूसरी बातें मतलब कौन कभी नहीं निकलती, ये हो सकता है अगर ऐसे टॉक नहीं करते तो हो सकता है ये बातें कभी नहीं निकलती, हाँ गोटो में ठीक नहीं सुना है, मेरे को याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। है। हाँ तो हमने वो फॉर्म भर दिए। तो उसके बीच होता था कि आपने 7 लोगों को पैसे बांट के भेज देने हैं, तो आपका नंबर ऊपर 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 जाता जाता है, तो फिर आपको आना 600 रुपया कंपनी को भेजना, बाकी इक्वल बांट देना जो उस फॉर्म के ऊपर लिखा होता है, उनके एड्रेस के ऊपर पोस्ट कर दो, ठीक है। तो थोड़े दिनों में वो भी एक्साइटेड, मैं भी एक्साइटेड, घर सबसे पहले तो घर वालों को पकड़ा, ठीक है। अब देखने लगा हमारा नाम उसमें शो होने लगा, अब हमें लगा कि ये स्टेप 3 हो गए, 4, अब तो 30 लाख तो पक्का है। फिर हमने रात को बैठना, अगर ये आगे नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम उधर भागेंगे, अच्छा ये हरियाणा में हुआ हरियाणा जाएंगे, पंजाब, ऐसी सोच के इसको पूरा करेंगे, कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो लोग आके बताते, उन्होंने बोलना हाँ जी हाँ जी मुझे तो बहुत पैसे आ रहे हैं, ऐसे हैं, वो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉइज था कोई जो आके बताता, ठीक है। तो वो कोई मूव नहीं करता, हमें तो आग लगती, ठीक है। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद वो चेक ड्राफ्ट बन बन के हमारे पास 500 रुपए का आ गया, 300 रुपए का आ गया, हम इकट्ठे करते 4 5 6 हो जाते, बैंक चले जाते, चलो अभी 2000 रुपया वापस आ गया ये, ठीक है। एक दिन प्रेतों का दोस्त घर में आया, तो मुझे तो आप देखो जब आप किसी बिजनेस में अग्रेसिवली काम करते हो, आपको तो दिखता है कि कोई छोड़ो ही नहीं, जैसे हम एमबीए में भी करते हैं, ठीक है, हमें तो यही रहता है कि बस आ जाना चाहिए। वो अभी इकोनॉमिक्स के बीच पता नहीं सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो मैंने उसको, मैं कहा काके बैठ इधर तेरे को बिजनेस बताता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने उससे वो बिजनेस प्लान डिस्कस किया, तो बड़े आसान से वर्ड्स में उसने बोला, कहता है पाजी ये बिजनेस थोड़ी है, ये तो मनी रोटेशन है, बिजनेस में तो प्रोडक्ट होते हैं। मैं कह यार हमें क्यों नहीं पता चला, ठीक है। तो जस्ट मैं समझ गया कि ये स्कीम है। मैंने अपना उस टाइम गाड़ियां गुड़ियां तो नहीं थी, मैंने मोटरसाइकिल उठाया सीधा सुजीत पाजी की दुकान, मैं कहा सुजीत पाजी पता नहीं कहाँ फंस जाते हो, हम लोगों को फंसाते हो, ठीक है, ये बिजनेस थोड़ी है, ये तो स्कीम है। सुजीत पाजी बोलते अच्छा यार ये तो बहुत बुरी बात हुई, हम स्कीम में फंस गए, अच्छा ऐसे नहीं करते। हमारे पास रेगुलरली वो ड्राफ्ट भी आते रहे, हमने उसके बाद उस चीज को छेड़ा नहीं, ठीक है, हमें था कि ये गलत चीज है, ठीक। एक महीना निकला नहीं, सुजीत पाजी फिर बोलते हैं कि तेरे को यार एक काम करवाना है, अच्छा आप मेरे पास नहीं आओगे, ठीक है। तो
तो फिर बोलते कि अच्छा सुन, कुछ भी मत कर, एक बार सुन ले, एक बार मेरी बात सुन ले। मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, ये काम आप रोड के ऊपर बैठे हो, कोई भी नई चीज चलाते हो तो आप मोटिवेट हो जाते हो, मेरा हमारा घर में ऐसा नहीं है, ये पहले हम दूसरी बार गलती नहीं करेंगे। कहते ओके। उन्होंने क्या किया, एक दिन मैं घर पे नहीं था तो देवेंद्र से आके साइन करवा के ले गए, कहते देवेंद्र यहाँ साइन कर दो तो हम कुछ करें। इसने कर दिया, इसने शाम को मेरे को बताया कि सुजीत पारी आए थे एक साइन करवा के ले गए। मेरे को बोलता अच्छा एमपी कुछ ना कर, मेरे पास बैठ मैं बताता हूँ। मैं कह पादी नई गेम ठीक है, तो वो था 2100, ये था 4200। तो मैंने कहा और कहां से, जब इन्होंने बताया उस टाइम, अगर पादी आपको याद होगा पंजाब में सजदा फाइनेंस, प्रभात फाइनेंस, ऐसी बहुत सारी स्कीम चल रही थी, वो बहुत बड़ा स्केल के ऊपर बड़ी चल रही थी। तो मैंने उनको बोला कि पाजी देखो ये चीजें अच्छी नहीं होती ठीक है, ये हम ऐसा कुछ नहीं करें। कहते अच्छा एमपी मेरी बात सुन ले एक बार, तू करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं ये सब कुछ फाड़ दूंगा ठीक है। वो जब भी थ्रेट कहते थे ना, एक ही होता था कि अगर तू करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मैंने जस्ट ओके चलो ठीक है। फिर मेरे को बोलते हैं कि ये प्लान दे, प्लान देखा तो मुझे जस्ट कोई मोटिवेशन नहीं आया, क्योंकि कोई ऐसी चीज अट्रैक्टिव, जब फिर जाके उन्होंने नीचे गोले बनाए, मुझे ऐसे लगा जस्ट फ्रेंड एक्सप्लॉयटेशन, लोगों को फंसाओ अपने पैसे निकाल के ले जाओ ठीक है। तो मैं और पक्का हो गया ठीक है। मैं घर आया, मैंने आके देवेंद्र को बोला, मैं क्या देवेंद्र सुजीत पारी एक स्कीम में फिर फंस गए हैं, बड़े हैं इनको रोक तो सकते नहीं है, लेकिन अब जब भी इनका फोन आएगा ठीक है, तुमने बोलना मैं घर पे नहीं। तो वो एवरी फ्राइडे या सैटरडे हमारी मीटिंग होती थी, तो उनका फोन आना मीटिंग पे चले ठीक है, तो घर फोन कर, मैंने तो उस दिन मिलना ही नहीं उनको, मेरे को इनको मिलना ही नहीं उस दिन ठीक है। एक तो सैटरडे का दिन था, फ्राइडे का दिन था, तो ये फोन के ऊपर बोल देती पाजी, मैं सामने ऐसे बेड के ऊपर पड़ा हूँ, वो फोन आया, ये उठाती उठा के बोलती कि पाजी वो तो अभी आए नहीं, अभी आए नहीं घर ठीक है। तो चलता रहा, तीन चार मीटिंग झूठ चलता रहा ऐसे ठीक है। तो एक दिन मुझे बोलने लगी कि आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, खुद ही बोल दो। मैं कह नहीं, वो पीछे ही पड़ जाते हैं, तो मैं ऐसे मैं नहीं मिलूंगा। तो जस्ट सिंपली एक दिन फोन आया, मैंने उठा लिया, मुझे याद उठ गया कि आज फ्राइडे। अच्छा सुजीत भाजी ठीक है, कहते एमपी घर आ गए, मैंने कहा हाँ आ गया। तो अच्छा पगड़ी मत उतारना, हमने कोई काम जाना है। मैंने कहा उस मीटिंग में मुझे मत लेके जाना, फर्स्ट वर्ड ठीक है। तो कहते अच्छा यार तू पगड़ी मत उतारना, मैं आता हूँ। अभी मैं बैठा हूँ, सीधा हुआ हूँ, वो सीधे घर आए, घर आए मुझे पीछे बैठाया। तो ज्यादा टाइम हम निकलते थे, वो उन्होंने बल्क पर चेंजिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, या मार्केट कहीं भी जाना, तो वैसे भी निकलते थे। जब निकले तो उन्होंने घुमाया मोटरसाइकिल, तो हमारे रेड क्रॉस में मीटिंग होती थी ठीक है। तो रेड क्रॉस भवन के बीच उस दिन दो लोग आए हुए थे, एक डॉक्टर ब्रैच और एक अशोक रोड़ा जी, वो एडवोकेट थे। तो मैंने पूछा वो मीटिंग है, कहता नहीं यार हम एक एडवोकेट हाई कोर्ट का वकील है उसको मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अगर मीटिंग का फिर मैं जाता नहीं ठीक है। वहां अंदर जाके मोटरसाइकिल लगाया, मैं कह पाजी फंसा दिया ना फिर ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ठीक है, मुझे आगे जाके बैठा दिया ठीक है, उधर डॉक्टर ब्रैच बैठे हुए। तो ये फॉर्म भरने के बाद की बात कर रहा हूँ कि फॉर्म तो वो भर के लेगा, लेकिन उस दिन जब डॉक्टर ब्रैच ने वहां मीटिंग शुरू की, तो गोले बनाने के बाद वो फ्रीडम की बातें, हम कनाडा से वापस इंडिया आ गए हैं, हम इंडिया के बीच बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं ठीक है, बिजनेस टाउन, फिर प्रोडक्ट को बताया। अब तो दिमाग में आ गया था कि प्रोडक्शन ये तो बिजनेस है, इसमें प्रोडक्ट्स हैं ठीक है। तो थोड़ी ऐसी चीजें, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी ऐसे बिजनेस की। तो जब डॉक्टर साहब ने ये सारी चीजें बताई, फिर उसके बाद वो थोड़ी अध्यात्मक बड़ी बातें करने लगे, कहते देखो ये आपके पीछे हॉल भरा पड़ा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं पीछे मुड़ के देखता कोई है ही नहीं, सीटें खाली। अरे यार ये आदमी क्या बोली जा रहा है कि पीछे लोग ही लोग बैठे हुए हैं ठीक है। तो मैं जितनी बार वो बोलता कि हॉल भरा हुआ है, लोग ही लोग हैं आपके लिए, लोग ताली बजा रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, आप बहुत ही एक्साइटेड हो, आपकी न्यू पिन हुई है, वो मैं कभी आगे देखता पीछे देखता, तो जो बोर्ड के ऊपर लिखा था ठीक है वो पढ़ा भी नहीं जा रहा ठीक है। ज्यादा टाइम जब हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं ना, तो बाद में आके देखो वो डॉक्टर्स वाली भाषा है, कोई समझता नहीं है, जो पांच छह बार प्लान देखो तो फिर समझ आएगी कि ये गोले का मतलब क्या है ठीक है। तो उनसे थोड़ा सा मैं हुआ कि इतनी एज है,
तो कोई ऐसी स्कीम में तो हो नहीं सकते, ठीक है, उनकी कुछ चीजें अंदर बैठ गई, ठीक है। फिर मैंने घर आके सुधीर भाजी को बोला बताओ ये क्या है, ठीक है। फिर उन्होंने प्लान बताई, उनके एक ऊपर अपलाइन थी धर्मजीत सिंह टू, ठीक है, वो भी उस टाइम टोरंटो से आए हुए थे, ठीक है। उन्होंने बैठ के बिजनेस प्लान पूरा शेयर किया, ठीक है। तो जब बिजनेस प्लान शेयर किया तो जस्ट मुझे ऐसे लगा, ठीक है, कि जस्ट ये काम तो किया जा सकता है। तो हमारे पास एक फोल्डर, जो आपको पता होगा, एक प्लेटिनम फोल्डर ज्यादा, ठीक है, मैं सुरदीत और रवि बोपर आए, हम तीनों रात को उसको पकड़ के बैठे। अभी हमारे में एक आदमी जो हमेशा पढ़ने में बहुत, हमेशा ही रवि का हमसे अच्छा बैकग्राउंड था, वो हमेशा कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे, तो उनको अच्छा था क्योंकि वो LIC के बीच डेवलपमेंट ऑफिसर था, तो वो ऐसी चीजें करता रहता। हमने उसको वो फोल्डर दिया कि रवि इसको ध्यान पढ़ना यार, ये अगर अच्छा काम करने होगा तो करें। हम दोनों आके घर सो गए, वो सारी रात पढ़ता रहा। रात को पढ़ने के बाद वो सुबह ही आ गया, सुबह आके कहता है यार मल्टीप्लिकेशन अगर ऐसा हो गया हम तो करोड़पति बन गए। तो जस्ट वो चीज एकदम हमारे दिमाग में फिट हो गई, कहता कि अगर इंडिया में हमने इस चीज को कर लिया ना तो हम लीड कर देंगे, हम तो करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। वो पता नहीं कौन सी ऐसी करके लाइटनिंग हुई, ठीक है, हमने पहले प्लान करना शुरू किया। अब मजे की बात, ना मैं प्लान करता हूँ और ना सुजीत प्लान करता है, क्योंकि प्लान की समझने बहुत देर बाद प्लान की समझ आई, पहले तो कॉपी थी, ठीक है। एक कनेडा से धर्मजीत दूर आते थे तो सुजीत पाजी की दुकान के ऊपर हम बोर्ड के ऊपर प्लान किया कर, बोर्ड नहीं वो जो गोदरेज की अलमारी है उसके ऊपर व्हाइट पेपर लगा के, ठीक है। तो हम ज्यादा अगर प्लान के पास रहते तो हम फटाफट व्हाइट पेपर लगा के, ठीक है, मार्केट दे देते, तो उसके ऊपर प्लान होता, ठीक है। तो देखते ही देखते बस स्पॉन्सरिंग शुरू, ठीक है, आगे बस पता नहीं फिर क्या हुआ, वो बाद में बताते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके। बस यहाँ से ज्वाइनिंग हमारी शुरू होगी, हम पॉजिटिव हो गए बिजनेस करने के। तो आपको पॉजिटिव करने में बहुत बड़ा रोल रवि बोपाराय का भी है। और उस टाइम हमें ये भी नहीं पता था कि ये डाउनलाइन है ये अपलाइन है, कुछ ऐसा नहीं होता था, ठीक है। हमें यही होता था कि हम तीनों एक ही हैं, ठीक है। तो सुजीत पाजी का फर्स्ट मेहनत यही था कि मैंने 21 लाख डाल दिया, मैं क्राउन बस्टर जा रहा हूँ, तेरी अभी 6 हुई है, 12 तो कर ले, डबल डायमंड हो जा, ठीक है। तो अपने आप को लेग डालने के साथ ही अपने पिन बोलना शुरू कर देते थे। और ये बहुत देर तक ऐसे ही चला, और उसमें बेस्ट ये हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर उसी टाइम बनना डेवलप शुरू हो गया, ठीक है। अगर उस टाइम हमें कोई सिखाने वाला होता कि 4 लेग्स ही बनाओ, ठीक है, 8 मत बनाओ, 12 ना, हो सकता है हमारा ये स्ट्रक्चर बनते नहीं। हमें स्टार्ट ही ऐसे हुआ, वो बोलते कि मैं क्राउन बेस से शुरू करूंगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए, ठीक है। उन्होंने किसी ने पैसा दिया नहीं दिया, ठीक है, तो उन्होंने 21 लेग से शुरू किया, मैंने 12-14 जितने मेरे पास पैसे थे, लोगों से थोड़ी मांगते थे आप फार्म करो पैसे बाद में दे देना, 3-4 पैसे दिए हमारे पैसे भी खत्म हो गए, अब तो मजबूरी हो गई थी इसको करना, ठीक है, लग तो गया जो कुछ है, ठीक है, ये इससे बस फिर हम स्टार्ट हो गए। वाह जी वाह। और देवेंद्र आप साथ में एंटर कर गए थे कि आपको लगा था करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कुछ ऐसा? हाँ नहीं, मुझे इतना तो पता चल गया था कि बिजनेस अच्छा है, इसमें पैसा है, क्योंकि जब तक इन्होंने मीटिंग में नहीं गए तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या मतलब हमने क्या साइन किया। इतना पता कुछ हुआ है लेकिन क्या है कुछ नहीं मालूम। लेकिन उससे पहले ना जैसे हमारी अभी शादी को थोड़ा टाइम ही हुआ था, थोड़े साल चल रहे थे जैसे, तो ये हमेशा आते थे सुजीत पाजी की शॉप पे, जॉब के बाद वहीं बैठ जाना और रात को लेट घर आना। तो एक दिन घर आके मुझे बोलते कि तुझे बुरा नहीं लग रहा कि बुरा लगता होगा कि मैं तेरे को कम समय देता हूँ और अपने दोस्तों के पास ज्यादा बैठता हूँ, वहीं बैठ जाता हूँ। तो मैंने मतलब मेरे मुंह से भी मुझे पता नहीं, मैंने बोला मैं कि मैं तो आपकी लाइफ में अभी आई हूँ, आपके दोस्त तो आपकी जिंदगी में बचपन से हैं, तो उनका भी उतना ही राइट बनता है एक बार। और दूसरी बात क्या पता वहाँ क्या कितनी कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये पहले बोलती थी। मुझे मुझे कोई आई नहीं है, मतलब ऐसा ये बिजनेस से पहले की बातें थी। अच्छा। तो हाँ जी बिल्कुल। फिर जब फिर बिजनेस में हम लोग साइन तो हो चुके, लेकिन ये जब बोलते थे कि पाजी को बोलना है कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो बुरा तो लगता था कि झूठ बोल रही हो, उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत रिस्पेक्टेड, मेरे लिए तो बहुत रिस्पेक्टेड,
तो मुझे बहुत बुरा तो लगता था कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है तो खुद सामने बैठे बोल मैं करते नहीं लेकिन ये तब तक की बात है जब तक हमें नहीं पता था कि ये बिजनेस हमारे लिए क्या है, इस यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं। और तब फिर बिजनेस जब ये मीटिंग देख के आए फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि बिजनेस तो बहुत बढ़ गया है, अच्छा है, ये काम अगर चल गया ना तो इसमें हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन मेरे लिए एक और सिचुएशन बन गई घर में, क्योंकि अभी मीटिंग में जाना है तो मैं तो जा नहीं पा रही हूँ, घर में जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं और मदर फादर हैं और फैमिली है, मेरी जॉब भी है और बहुत सारे गेस्ट, मतलब जैसे गांवों से बहुत सारे गेस्ट आते हैं शहर में रहने के लिए, किसी का कोई एग्जाम्स है तो दो दो तीन तीन महीने रहना है, किसी का कोई इलाज होना है, प्रॉब्लम है तो सिटी में आना, तो कितने एक ना एक का इलाज है तो तीन चार लोग साथ में आएंगे, तो ऐसा हमारी फैमिली बड़ी और उसमें बहुत सारे गेस्ट आते रहते, तो मैं काफी बिजी थी उन दिनों में, पूरी व्यस्त एक बहू जो होती है ना, जिसको मतलब शाम को ही उसने सिर अपने बाल बांधने, बस वैसा मेरा लाइफ स्टाइल था। तो मुझे घर से बाहर सपनों को तो पूरा करना है जैसा ये बोलते हैं कि अच्छा काम है, लेकिन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर अभी नहीं निकलूंगी तो फिर मैं कब छूटूंगी इस सबसे। और घर वालों को पूरे सबको तैयार करना कि अभी मैं भी साथ जाया करूंगी मीटिंग में, वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। और मेरा इतना सेल्फ इमेज नहीं था कि मैं उनको बोल पाऊँ कि मुझे साथ इनके साथ जाना है। और उसके लिए हम दोनों ने फिर एक जुक्त बनाई, दोनों ने सलाह की कि मैं सब काम निपटा लूंगी, फैमिली को कोई मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारियां करूंगी, कंप्लीट करूंगी, लेकिन मैं इनके साथ जाना है। मैं इनको बोलती थी तूने मुझे बोलना है कि हाँ इतने बजे हम लोग निकल रहे हैं तो बस जल्दी जल्दी तैयार हो जा, मैं नहीं बोलूंगी अपनी मदर इन लॉ को कि मैं जाने तो ये ऐसे ही बोलते थे, जिस टाइम मीटिंग होती मैं अपना सूट रेडी करके बाथरूम में ऐसे लटका लेती और पूरा काम निपटा लेती जल्दी जल्दी, सारे काम कंप्लीट कर, क्योंकि मुझे पता है शाम को हमें निकलना है। और ये बाहर से आते क्योंकि दुविंदर कहाँ है तू, कहाँ है तू, जल्दी जल्दी करो, हमने जाना है, इतने बजे जाना था, तू लेट हो गए, लेट हो जाएगी, मुझे भी छोड़, मुझे भी रहना पड़ेगा, जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं तो किसी की बात सुनती थी क्योंकि मेरी हमारी तो पहले से प्लानिंग थी, तो मैं जल्दी से तैयार होती, उस वजह से कभी कभी तो वो दिन अच्छा होता था, कभी कभी मीटिंग के बाद घर आने में माहौल टाइट भी होता था तो लेकिन हम लोग झेल लेते थे, हमें पता था कि ये समय निकल जाएगा, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आज हमारे हाथ में है अगर ये निकल गई तो हमारी जिंदगी नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसमें हमने वो सब देख लिया था कि जो हमें चाहिए, जो हमारी फैमिली को चाहिए, जो हमारे बच्चों को चाहिए, इससे हमें मिल सकता है। तो इस वजह से थोड़ा कशमकश में चलता रहा जो इनिशियली टाइम पीरियड था, लेकिन हम लोग चलते रहे किसी भी तरीके से। भाई आपका बहुत ही यूनिक बिजनेस है, उसमें सबसे बड़ी जो खासियत जो मैंने इंडिया में किसी और बिजनेस में नहीं देखी वो ये है कि आप पहले से इतने क्लोज थे और सारे डायमंड चले गए। सुजीत भाजी, आप रवि बोपर आए और आपके ब्रदर है ना प्रीतपाल, और पन्नू साहब आपके ब्रदर इन लॉ, राइट, तो पांच डायमंड आपने घर में पैदा कर दिए, कमाल हो गया देखो। और आप और सुजीत भाजी और रवि बोपारा, ये तीनों कितने पहले से दोस्त थे आप, इस बिजनेस के आने से कितने पहले से आपकी दोस्ती थी? रवि मेरा फ्रेंड है, अच्छा, उनका सुजीत भाजी से ज्यादा नहीं था। ओके, तो मैं और रवि तकरीबन हम बचपन से ही इकट्ठे हैं, क्योंकि हमारे रवि के फादर इंग्लिश टीच करते हैं, प्रोफेसर बोपराय करके फेमस, अगर कोई भी खालसा कॉलेज में पढ़ा है उनको प्रोफेसर बोपराय का जरूर पता, वो इंग्लिश टीचर होते थे तो बहुत ही अच्छे थे। तो ये वो मेरे दोस्त से, हम एक ही बैच के हैं, ठीक है, वो तीन छह महीने मेरे से छोटा होगा या मेरे से बड़ा होगा। तो आप और रवि बचपन के दोस्त थे, बचपन के दोस्त। आप और सुजीत भाजी, हाँ ये हम भी क्योंकि कैंपस में सुजीत पाजी के फादर भी ये एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे तो रहते कैंपस में थे, तो सुजीत पाजी भी उधर ही रहते, लेकिन क्लोज मैं और सुजीत थे ज्यादा। तो आप और सुजीत दोस्त थे, सुजीत पाजी और आप दोस्त थे, रवि बोपराय आपके दोस्त थे, प्रीतपाल तो आपके ब्रदर रही है, पन्नू साहब आपके ब्रदर लॉ है, पांच आपने घर के बनाए। तो मेरा सवाल ये है कि बाकी बंदे खत्म हो गए थे कि पांच ही थे बस? एक्चुअली ये एक आप ये सोच सकते हैं कि
हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि इस आदमी को डायमंड नहीं जाना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि अगर मैं डायमंड जा सकता हूं तो ये क्यों नहीं जा सकता। ठीक है, हमने कभी किसी में कोई गलती देखी नहीं, हमें तो ये था कि अगर मैं डायमंड चला गया ये मेरे साथ है। ठीक है, फिर छोटा भाई उसको तो होना ही चाहिए अगर मैं डायमंड हो गया। ठीक है, और उसको तो हर बार रहता भी यही था कि पाजी मुझे नहीं छोड़ेगी अगर मैं डायमंड। सही है, तो जस्ट एक ऐसी चीज। और ज्यादा एक बिलब्रेट की सीडी सुनी थी मैंने, उसने बोला कि एक तो ब्रदर लॉ होता है जैसे साला बोलते हैं, कहते बाकी सारे मान जाते साला नहीं मानते। अच्छा। तो वो नहीं बिजनेस में आता। तो मैंने जस्ट गोल बनाया कि ये साला नहीं आता ना, साले को लाके छोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट उनको भी कैसे लाए और फैमिली में कैसे, ये एक जैसे आपने बोला ना कि इंडिया में शायद यही एक स्ट्रॉन्ग हमारी फैमिली के काम। बिल्कुल अनोखा है। के बीच मेरा मेरी ये सोच थी कि मैं अपने प्रिंसिपल्स ऐसे रखूं कि मैं फैमिली में ऐसे रहूं कि ये हमेशा ही मुझे फॉलो कर सके। ठीक है, तो मैंने कभी भी अपनी फैमिली में कभी नेगेटिव नहीं दिया। कई बार होता है कि मुझे प्रोडक्ट की समझ नहीं आई ज्यादा, मुझे मीटिंग में ज्यादा मोटिवेशन नहीं हुई। ठीक है, कई बार हमारे साथ होता था। ठीक है, कई बार हमारी अपलाइन से कोई बात हुई, लेकिन ये मेरा गोल था कि मैं अपनी नेगेटिविटी या अपनी गलती फैमिली में टीच नहीं कर सकता हूँ। हम नेगेटिव कभी भी टीच फैमिली में नहीं। लोग बाहर करके घर तो आके नेगेटिव बोलते थे, मेरे घर में छोटा भाई साईं था, मैं घर में आके नेगेटिव बोल नहीं सकता था। और दूसरा इसका बहुत बड़ा रोल था, ये एवरी टाइम पॉजिटिव। ठीक है, कई बार मैं बाहर से नेगेटिव हो जाता था, दो दोस्तों को मिला, दोनों ने जवाब दे दिया या ऐसे किया, तो इसने बोलना अच्छा ठीक है। और इसने कभी भी मेरे को फ्रंट के ऊपर नहीं बोला कि अच्छा चल मैं भी तेरा साथ देती हूँ। इसने बोला अच्छा ओके कोई बात नहीं, होता है हो गया ना, अब छोड़ो मत करना। लेकिन अगले दिन इसका टोन वही रहती थी, हमने उसके लिए थोड़ा करना है, हमने अपने लिए करना है। ठीक है, कुछ भी हो गया, ठीक है, चाहे फाइनेंशियली कुछ हो जाए या एमबे बिजनेस में सीखने के चैलेंज हो जाए, कभी प्रोडक्ट चैलेंज आ गया, जैसे अभी ऑनलाइन लोगों को चैलेंज आ जाते हैं, लोग उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर ये हो गया, वो चैलेंज इतना छोटा होता है। ठीक है, जो अपना बड़ा सारा ड्रीम भी उसके पीछे छोड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर उस चीज में हम देखें तो हम पर्सनली अपने ड्रीम के लिए बहुत खुश हैं। ठीक है, तो फिर हमेशा आप लोग भी नीलपा जी और बिंदु जी भी हमारी मोटिवेशन रहते थे। और ये जो ALS होते हैं ना, ठीक है, सारे के सारे जैसे, वहां तो हमें यही होता था कि यार ये ALS नहीं छोड़ना, वहां अनिल एंड बिंदु जी मिलेंगे, यहाँ हमें जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं डॉक्टर ब्रैच मिलेंगे, तो सबको मिलना ALS के बीच, वो कभी मिस नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमें मोटिवेट करती थी इस बीच में रहने के लिए और अपनी सारी फैमिली को साथ लाने के लिए। भाई आपको जो सक्सेस है वो कितनी जल्दी मिली और क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ी आपको सक्सेस लेते हुए? हाँ जी भाजी, जस्ट नो डाउट, मैं अभी सोचता हूँ, उस टाइम तो ऐसे लगता कि जस्ट हम शायद इनोसेंटली कर गए, लेकिन जो इनोसेंस के बीच भी किया ना, हमने काम बहुत किया। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम कोई नेगेटिव उठाते। ठीक है, नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव ही देखते। और एक हम हमेशा कंपटीशन, मेरा रवि का सुदीप का एवरी टाइम एक कंपटीशन लगा रहता है। सुजीत बोलता मैंने तो 20 लोग साइन कर लिए, मैं कहा यार इसने 20 कर लिए, ठीक है, तो मेरे से आज अभी 10 ही हुए हैं। ठीक है, मैं भी, हमें कोई सिस्टम का नहीं पता होता था। ठीक है, किसी चीज का नहीं, हमारा जो आपस का एक बाउंडिंग और एक कंपटीशन और डेली रोज आपस में बैठना, ठीक है, हमारा ये बहुत बड़ा कंपटीशन। और कहीं में कोई नेगेटिव मिला, ठीक है, तो हम वो शाम को खत्म कर लेते। ठीक है, और मुझे याद है जब हम बहुत स्पॉन्सरिंग करते, हमारे अपलाइन धर्मजीत सिंह तूर वो स्टार्टिंग के बीच आए और सुजीत ने बताया कि इनको ये इंडिया में फर्स्ट सिल्वर हो जाएंगे अगर हम इनको 74 जॉइनिंग देंगे इसी महीने। ठीक है, तो उस टाइम डेट थी 27th या 26th। ठीक है, तो अगर उसी महीने लेनी है, वो जलंधर से आए, आके हमारे पास बैठ गए कि आप ही टीम हो जो मुझे सिल्वर कर सकते। ठीक है, तो हम तीनों, मैंने, सुदीप ने, रवि ने, हमने तीनों ने बांट ले कि हमें 20 22 25 25 आते हैं 3 दिन। ठीक है,
तो उनको पहले ही बोल दिया ये तो हमारे लिए बात ही कुछ नहीं है, 25-25 लोग तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो वो 3 दिन हमारे लिए एक गोल की तरह लिए हमने, और स्कूटर के ऊपर, ठीक है, अभी मुझे 84-72 मुझे समथिंग ऐसा स्कूटर के ऊपर, और उसी दिन जलंधर, उसी दिन फगवाड़ा नहीं कपूरथला, और कपूरथला का गांव रात को 11 बजे मैं कपूरथला के एक गांव में हूँ, और वहां जाके उस लड़के का नाम भी नहीं पता जिसके घर जाना है, सिर्फ उसकी शक्ल पता है कि ऐसी ऐसी शक्ल है, ठीक है। वहां से जाके पूछा कि ऐसा ऐसा एक लड़का है, उसने एक बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। उसने बताया कि ऐसा काम वाला काम था उसका, कोई शायद कार रिपेयर का काम था या कुछ ऐसा था। वो कहता है 2 ही लोग हैं हमारे, एक इधर पास में ही रहता है, ठीक है, दूसरा गांव के दूसरी तरफ रहता है, ठीक है। हमने उसको उठाया, उसके घर गए, वो शक्ल से हम पहचानते थे, वो नहीं है, ठीक है। वो हमें दूसरे के घर लेके गया, ठीक है, वही निकला, ठीक है। तो उसका उसके पास 4 फॉर्म थे, ठीक है, वो 4 फॉर्म वहां से लिए। तो सुबह शताब्दी के ऊपर उन्होंने जाना था 29 तारीख को, क्योंकि वो हमें 30-31 नहीं बताते थे, वो हमें लास्ट मंथ एंड 29 या 28-29 ही बताते थे हमारी अप्लाई, क्योंकि उन्होंने जाके फॉर्म प्लस करने होते थे, फिर वहां जाके वो सबमिट होते थे दिल्ली के लिए। तो हमने 28 या 29 तारीख है रात, मॉर्निंग शताब्दी अमृतसर से चलती थी 5 बजे, तो हमने 3-4 बजे सुबह उनको 74 फॉर्म इकट्ठे करके दिए, उसी मंथ जो पहला एमाग्राम आया इंडिया का, उसके बीच उनका नाम। वाह जी वाह, अप्लाई फॉर सिल्वर गया पहले तो। हाँ, बिल्कुल। तो ये टीम वर्क, ये हमें टीम वर्क फुटबॉल से भी था, मैं भी फुटबॉल खेलता था, रवि भी फुटबॉल खेलता था, हमें टीम गोल ये है ना, दूसरों के लिए काम करना और जान लगा देना, ठीक है। फिर उसका बेनिफिट हमने क्या लिया, उसको हमने अंडरलाइन किया उसको, तो उसके उनका नाम, उनका सिल्वर नाम अंडरलाइन किया। कई बार तो अभी हम लोग बोलते हैं सर कुछ और लिटरेचर नहीं है, सर कुछ और नहीं है आपके पास, सर हमारे को कुछ और प्रोडक्ट नहीं आए, कितने सवाल करते हैं लोग, ठीक है। वो जब पहला एमाग्राम निकला था, 3 पेज उसके बीच लोगों की लिस्ट थी, उसके बीच एक लाइन सिर्फ सिंपल धर्मजीत सिंह को न्यू सिल्वर, ठीक है, जलंधर ये लिखा हुआ था, उसको हमने ऐसे करके अंडरलाइन हाईलाइट किया, और हर किसी को जाके बताना इंडिया का ये जो बिजनेस है ना, इसके बीच फर्स्ट मंथ जो क्वालिफाई किया है ना हमारी अप्लाई है, ये रहा हम करना। बिल्कुल भाई, आपने स्पोर्ट्स में सेकंड पूरा, हाँ, तो फर्स्ट 3 महीने में सिल्वर हुए हैं, सुजीत पाजी 3 महीनों में सिल्वर हुए, मैं 4 महीने में सिल्वर हुआ, ठीक है। वो इतना हमने मोमेंटम क्रिएट किया, और हमें नहीं पता था कि इसके बाद और प्रोडक्ट भी मिलती है, हमें था कि ये बिजनेस किट ही लोग सीख लें, ठीक है। और मजे की बात बताऊं, लोगों के पास कितने सारे प्रोडक्ट है। मैंने सुजीत को बोला कि यार मेरी किट नहीं आई 15-20 दिन, कहता मेरा डिस्कटॉप आधा निकाल के ले जा। आपको पता होगा कि हम पहले डिस्कटॉप और इनकी डेमो करते थे, ठीक है, और मैं और सुजीत एक डिस्कटॉप की बॉटल से दोनों सिल्वर हो गए थे, इतनी डेमो करते एक, और उसको आधा आधा कर लिया, ठीक है। तो मैं जब सिल्वर हो गया था, मेरी किट उस टाइम मिली थी मुझे। अच्छा, सिल्वर होने के बाद मिली किट, सिल्वर होने के बाद। अच्छा, क्योंकि हम उसी से ही चीजें यूज करते थे, एक ही चीज से। और एक चीज जो और है लोगों के लिए शेयर करने के लिए, कि जो प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे या जितनी भी चीजें हम ये जो स्पीड बना लेते थे इतनी ज्यादा, उसके पीछे एक ही चीज रहती थी कि दिस गोल। मेरी जब अपलाइन सुरजीत ने जो मुझे धर्मजीत टूर से मिलाया ना, तो मैं जॉब से आया था, तो वो एक रूम के 8-10 चेयर्स लगी हुई थी, ठीक है। तो मैं एक साइड के ऊपर आके बैठ गया, ठीक है। तो वो मीटिंग करने के बाद सबको बोल रहे थे ये बहुत इजी गोल है, आप सारे बताओ सिल्वर कब जा रहे हो, सिल्वर कब जा रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे पता था ये इधर से शुरू हुआ, हम मेरी तरफ आएंगे, ठीक है। तो वो सबसे पूछे, हर कोई बोल रहा था मुझे 3 महीने लगेंगे, कोई बोल रहा मुझे 2 महीने लगेंगे, ओके डन डन करते मेरे पास आ गए, ठीक है। तो वो मेरे को बोलते आपका आप कब सिल्वर जा रहे हो, अब मुझे पता ही नहीं है कि बात क्या चल रहा है, ठीक है। मैंने एक बात बोली, मैं कहा जितने ये लोग बोल रहे हैं उससे 1 महीना ज्यादा लगा लो। अच्छा, क्या टूर हुआ, ठीक है। मैं कह मुझे 1 महीना इनकी बात को समझने में लगेगा, ठीक है, और बाकी 3 महीने ये बोल रहे मैं भी कर लूंगा 3 महीने में। और मुझे बाकियों का तो पता नहीं, ठीक है। तो मैंने 4 महीने बोले थे, 3 महीने में सिल्वर हो गया। वाह जी वाह, बस 3 महीने के।
जबरदस्त काम किया भाई आपने, कमाल कर दी आपने, आपका वर्क एथिक तो हमें समझ आ गया, बड़ा स्ट्रांग था है ना। और आप उससे आप सिल्वर चले गए, चलो आपने प्लेटिनम तक चले गए होगे, लेकिन आपने तो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, आपकी टीम में डायमंड्स हुए, आप फाइनली फाउंड्री डीसी गए, डायमंड हुए, उसके आगे बहुत सारे लेवल हुए, A60 में गए है ना, आपने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने मदद की आपके वर्क एथिक के अलावा? काम तो आपने बहुत किया, वो तो हमें समझ आ गया, स्कूटर पे ही जो बंदा भाग सकता है इतना, स्कूटर पे आप अमृतसर से कपूरथला बता रहे हो गए, वहां से फिर शताब्दी पकड़ उसको भेजे, फॉर्म भेजे, तो बहुत काम किया आपने, लेकिन और आपकी किस चीज ने मदद की, कैसे आप इतना बड़ा बिजनेस फाउंड्री डी? मेन अनिल पाजी, जिस हमने एमवे बिजनेस को ये कभी डाउट नहीं अपने अंदर कभी पैदा होने दिया कि ये बिजनेस चलेगा, कंपनी बंद हो जाएगी, प्रोडक्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसा कभी डाउट जो है, ऐसा नहीं डाउट लोग बोलते नहीं थे, ऐसे कभी डाउट अपने अंदर तक कभी आने नहीं दिया, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डे से हमारा बिलीफ लेवल जो है वो मतलब आप 200 टाइम समझो कि कभी कोई हमें आज तक, अगर मेरे को किसी ने आके ये नहीं बोला कि पाजी आप ये वाली प्लान देखो, आज तक नेवर, ठीक है। कई बार लोग हमें अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं सर मेरे को किसी ने प्लान दिखाया फलां कंपनी का, आज तक किसी की ये हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने बैठ के किसी और कंपनी की प्लान करते, ठीक है। सबसे बड़ा मेरा बिलीफ था, ठीक है, जो इस बिजनेस के बीच में। और दूसरा हमारा स्पीड थी कि हर चीज, और हम इधर उधर देखते ही नहीं थे। और तीसरी सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ बनी, ठीक है, वो बनी हमारी अपलाइन, डॉक्टर ब्रैज से ऊपर आके आते हैं कुलीन देसाई, फिर आते हैं राजशाह। तो राजशाह का लाइफस्टाइल, राजशाह का वे ऑफ टॉकिंग, राजशाह की जो कहते हैं उनकी जो बात करने का तरीका, फुली मोटिवेटेड के मैं ये ब्लेस्ड हो गया था कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें टीच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पर्सनल फैमिली की तरह मेरा ध्यान रखना, बच्चों का नाम तक हमारी अपलाइन को पता था, उनके डेट ऑफ बर्थ उनको पता थे। तो हमेशा कभी भी राजशाह ने ये नहीं पूछा था कि जस्ट आपके बच्चों का क्या हाल है, वो हमेशा ये पूछते, अच्छा बेटी बड़ी है ना, वो दश का क्या हाल है, ठीक है, बेटा आपका छोटा है, शमश का क्या हाल है। बाई मेन उनके उनका ये याद रखना, और हम डॉक्टर ब्रह से काफी नीचे थे लेकिन फिर भी वो हमें ऐसे प्यार करते थे, ठीक है। और अमेरिका से चॉकलेट, छोटी छोटी चीजें, और फर्स्ट आप देखो कि बिलीफ कैसे बनता है, जो हम सिस्टम बोल सकते हैं, जो हमारा उस टाइम जो हमें सिस्टम मिला, जो अपलाइन के थ्रू जो सिस्टम मिला, उसका बहुत बड़ी पावर थी, ठीक है। तो हमें हमेशा ही वो सिस्टम की, अगर उन्होंने चीजें दी, एक तो हमें वो हमेशा ये एहसास कराते थे कि आप डायमंड हो, ठीक है, तो आप हमारे फ्रेंड हो, हमेशा ही डायमंड क्लब में रहोगे, आप हमारे साथ रहोगे। और दूसरा, कभी भी एक छोटे छोटे कार्ड लिखते थे वो, उसकी वो हमेशा लिखते थे कि मेरे ग्रुप में फर्स्ट डायमंड आप, ठीक है, तो फॉर एवर फ्रेंड नीचे लिखते हैं, राशिया फॉर एवर फ्रेंड, हमेशा के लिए आप हमारी फैमिली हो, हमारे फ्रेंड हो, ठीक है। तो हम देखते थे कि बहुत सारे एमरल्ड्स प्लेटिनम डॉक्टर साहब के बैठे हुए हैं, लेकिन अपने कार्ड को देखते थे उसके ऊपर उन्होंने डायमंड बना के हाथ से ऐसे करके ना कुछ नहीं, और इतना अगर देखोगे बहुत अच्छा लिखा हुआ। तो मैं इसको यही बोलता था कि इस आदमी को हमारे अंदर कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक टेप के बीच बोला, ठीक है, कि हम ये जो अमृतसर वाली टीम है, इनमें हम एग्रेशन, पैशन, कैसी चीजें देखी जो हमें चाहिए, वो सब कुछ हमें दिखता, ठीक है, तो मुझे नहीं दिखता था, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज ये है कि जितने भी हम लोग हैं, चाहे उम्र से बड़े हैं या छोटे हैं या स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो एंड यू आर लक्की कि आप अनिल पाजी या बिंदु नारायण जी की टीम में हैं, जिनके पास एमबे बिजनेस का विजन है, ठीक है, इस चीज का, कि वो आपको बहुत इजीली बता सकते हैं कि इसके बीच आप डायमंड कब चले जाओ। आपको पूछना तो पड़ेगा, उनको पता है, ठीक है, उनको 100% पता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना कि आपने ये डायमंड कैसे ब्रेक कर दिया, सर जी लोगों की आंखें, ठीक है, जितने भी ये लीडर्स आते हैं उनकी आंखें बोलती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, उनको मुंह से बोलने, उनका बार बार आंसू निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो अपने ड्रीम के लिए पागल होते हैं, पैशन होता है अंदर उनके, ठीक है। ये चीजें हमें सोने नहीं देती थी, हमारे लिए नींद कोई अहमियत नहीं रखती। बिल ब्रेट की एक सीढ़ी है,
ठीक है, कहता है कि जस्ट मैं उस दिन सोऊंगा जिस यहां से मुझे कोई नहीं उठाएगा। ठीक है, कि मतलब सोना इस जिंदगी में, अगर हमें 80 साल की लाइफ है तो 40 साल सो के नहीं निकाल देने। ठीक है, मैं बहुत कम सोऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जिंदगी देनी है, और उधर एक टाइम जाके सोऊंगा जिधर कोई नहीं उठाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती। और एक चीज थी डेट सिट पीरियड, कि जो मैंने बोल दिया जस्ट एंड, ये मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो एक शेर की तरह हमारे सामने, वो हमेशा सामने रहते थे। और एक यूनिटी जो टीम के बीच होती है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं, लेकिन टीम की यूनिटी परफेक्ट कर देती है हर चीज। ठीक है, तो जस्ट हम बहुत ब्लेस्ड थे कि सुजीत पाजी हमारे साथ, उनकी 2016 के बीच वो चले गए हमें छोड़ के, लेकिन उनकी टीचिंग, वो एक रिलेशन, उनका प्यार आज भी जैसे ही है। और बाकी दूसरी चीज जो नारंगी भी आपको बताते हुए, मैं कभी भी जिसके साथ काम करता हूँ, एक लीडर के साथ, और उसके ऊपर हमेशा बिलीव करता हूँ कि ये डायमंड है, वो खुद छोड़ के भाग जाए, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके साथ काम ऐसे ही करता हूँ कि अपनी इमेज में, अपने फ्रेम में उसको डायमंड सामने रख पाता हूँ, फिर ही उसको टीच कर पाता हूँ। उतनी देर बाद मैं उसका हिसाब नहीं लगाता हूँ कि ये पहले 3 जाएगा, 6 जाएगा, 9 जाएगा, इसकी वाइफ मानेगी कि नहीं मानेगी, ये मानेगा कि नहीं मानेगा, कुछ होगा। मैं एक फ्रेम कर लेता हूँ, यस इज अ डायमंड, मैं उसके बीच दूसरी कोई चीज नहीं, वो खुद डिसाइड करता है वो एमबीए बिजनेस के बीच कहां तक हमारे साथ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना बिलीफ लूज नहीं करता अपने डाउनलाइन से। ठीक है, हमेशा कोई भी, जस्ट अनिल पाजी भी आए, इनको पता भी है, कोई मिले मैं उसको उसी फ्रेम में ही देखता हूँ कि ये क्राउन जाने वाला, ठीक है, या मैंने इससे सीखना है। और हम सीखते हैं, ठीक है, हम क्रॉस लाइन से सीखते हैं, हम डाउन लाइन से सीखते हैं, हर लोगों से सीखते हैं। ठीक है, लेकिन 2-3 चीजों को कभी मैं खराब नहीं होने देता। जैसे वर्टिकल अलाइनमेंट, फर्स्ट इज एमबीए कॉर्पोरेशन, ठीक है, सेकंड हमारा एजुकेशन सिस्टम, थर्ड मेरी अपलाइन, और नंबर 4 के ऊपर मैं आता हूँ। ठीक है, अब मैंने इन 3 चीजों से अलाइनमेंट करनी, ठीक है, वो जो मेरी अलाइनमेंट है ना, मैं उससे बाहर नहीं जाता। तो फर्स्ट अलाइनमेंट मेरी उस टाइम होती है जब मैं एक ग्रोइंग अपलाइन के साथ अपना दिमाग और सारी चीज छोड़ के मैं उनको मानना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि अगर मेरे में इतनी अकल होती तो मैं पहले से डायमंड होता। डायमंड नहीं होता, कम से कम डायमंड इनकम तो मेरे पास होती, मैं 5-7-8 लाख रुपया पहले से कमा रहा होता, तो हो सकता है मैं इस बिजनेस में नहीं आता। ठीक है, तो मुझे ये क्लियर था कि मैंने ये अलाइनमेंट कभी भी खराब नहीं करना। ठीक है, तो सेकेंड आ गई एजुकेशन सिस्टम, तो उसके ऊपर हमारा इतना बिलीफ है कि अगर हम बुक्स नहीं पढ़ते, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, बुक्स का कोई इतना इंटरेस्ट होता ही नहीं था। ठीक है, फर्स्ट टाइम दोबारा आके पढ़ना शुरू किया, ठीक है, वो आके हमारे जो हमारी अपलाइन ने बुक्स रिकमेंड, ठीक है, और जो हमारी अपलाइन बोल, मेरी फर्स्ट टीचिंग पता है धर्मजीत सिंह टूर ने क्या बोला था, ठीक है, कहते हैं एमपी सिंह जी चेहरा थोड़ा स्माइल ने रखा हुआ, ठीक है, लोग स्माइल लोगों से बात करते हमेशा, फर्स्ट उनका मेरे को ये था कि आप स्माइल रखो। और मैं मेरे मुंह के ऊपर स्माइल आती थी, मैं ऐसे बैठता था, या ज्यादा लोग मुझे पुलिस वाला बोलते थे कि ये कोई पुलिस वाला, गाड़ी से आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि गाड़ी के बीच मेरे से कोई डॉक्यूमेंट मांग जाए। ठीक है, मैं पुलिस थानेदार भी खड़ा होगा, मैं पूछता हाँ जी बताओ जी क्या बात है, वो तो सर गाड़ी चेक करनी है, मैं चेक करके बंद कर देना। ठीक है, तो जस्ट एक ऐसा इंप्रेशन हर किसी के ऊपर, ये आदमी लड़ाकू सा है, जिससे बोलता नहीं है, बात नहीं करता, एक ऐसी पर्सनैलिटी, चुप रहना। ठीक है, तो मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरी बड़ी सिस्टर की फ्रेंड्स घर आती थी ना, तो वो एक ही बात बोलती, तेरे भाई से डर लगता है, ये ऐसे करके देखता है। ठीक है, तो मैं देखता नहीं, मैं है ही ऐसा। ठीक है, तो मुझे मेरी अपलाइन ने फर्स्ट टाइम ये बोला, एनपी सिंह जी थोड़ा ना चेहरा स्माइल रखा करो। मैंने सुधीर को पकड़ा, मैं कहा यार बिजनेस अपनी जगह, ये चेहरा स्माइल क्यों चाहिए, सारी स्माइल अब है ही नहीं, कहां से लाऊं मैं। ठीक है, फिर मैंने स्कूटर पकड़ा और बताया किसी को नहीं। फिर मैंने स्कूटर पकड़ा और अपने जो अमृतसर का बाईपास है कि मुझे कोई देखे ना, ठीक है, तो आप देखो कि आदमी क्या कुछ करता है। ठीक है, मैं वहां चला गया और आगे पीछे देखा, स्कूटर को तेज किया, थोड़ा हंसने शुरू किया। ठीक है, कि मैं हंस के देखूं कि मैं कैसा लगता हूँ। ठीक है, तो एक बार हंसा, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, उसके बाद मेरी हंसी बंद ही नहीं हो। अब मैं इसलिए हंस रहा था कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। और जस्ट चेंज, मैं शादियों के बीच नाचना पसंद नहीं करता था। ठीक है,
और मैं किसी गाने के ऊपर नाच रोकता था कि ये आप अच्छे लगते हो, रात के बीच एक घोड़ी नाच रही होती है, तुम्हारे और जानवरों में फर्क क्या रह गया। मैं ये लोगों को रोकता था शादियों के बीच जाके या कुछ भी, कि नहीं ये आदमी बन के रहो, जानवर मत बनो। ठीक है, बाद में पता चला कि ये एक्चुअली दुनिया उल्टी थी। ठीक है, आज मुझे, मैं दावे को, कई बार हमारी मीटिंग होती है, डांस चल रहा होता है, लाइट चली जाती है। ठीक है, तो जस्ट मेरी टीम में मैं ऐसा डांस करवा सकता हूँ विदाउट म्यूजिक। ठीक है, मैं स्टेज के ऊपर नाच सकता हूँ, यही हमारे, क्योंकि हमारा अंदर नाच रहा होता है, अपने ड्रीम के साथ नाचते हैं। ठीक है, वो पूरा टाइम हम नाच सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैं तो ये कहता हूँ कि हमें एक नई लाइफ मिली। ठीक है, एक नया जन्म, पैसा आया, सब कुछ आया, वो बहुत छोटी चीजें रह गई। ठीक है, तो मेरा रियल स्टेट का बिजनेस बहुत बड़ा था। ठीक है, कैसे लॉस हुआ मुझे ऐसे, मैं धर्मेंद्र को बोलता था कि ये लॉस हुआ, ऊपर वाला कुछ बढ़िया करने वाला। ठीक है, किधर गई जॉब? अभी देखो, मैं जॉब की बात भी नहीं कर पाया क्योंकि कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। 25-30 साल पहले जिन चीजों की कोई अहमियत नहीं रही हमारे लिए। ठीक है, आज वो मिलते हैं हमारे दोस्त जो अभी वो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, हम आज भी वैसे ही हैं, वो रिटायर होने जा रहे हैं। ठीक है, हम वैसे ही हैं, तो किसी की वाइट दाढ़ी है, किसी के सिर के ऊपर बाल ही नहीं रहे। ठीक है, कोई पीछे से हाथ में, एमपी यार देखते नहीं हो ना, तू कौन है, वो बताता है, फिर पता चलता है कि इसकी शक्ल क्या बन गई। जितने देर आप ड्रीम में, एक्साइटमेंट में, लोगों के साथ नहीं रहते हो, ठीक है, तो हम अभी भी जाएंगे, अभी ये नवंबर के बीच अभी जाने वाले बच्चों के साथ, ठीक है, नारायण साहब को मिलने वाले हैं सिल्वर जुबली के ऊपर। ठीक है, एक्साइटमेंट, अभी बच्चे फिर कनेडा से इधर मूव कर जाएंगे, हम सारे मिलके मजा करेंगे, ऐश करेंगे, घूमेंगे, और फिर एक दूसरे को अनिल जी, बिंदु जी आके फिर हमें बोलेंगे पाजी आग लगा देंगे। पाजी आग लगा देंगे, हम भी आग लगा देंगे। आज तक हम आग ही लगाते आए हैं, हमें नहीं पता ये कैसी आग है।